नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज श्रीकांत और आज हमारे साथ हैं इस गाड़ी के प्राउड ओनर मिस्टर अरविंद। ही इज ऑल्सो माई ब्रदर इन लॉ। वेलकम टू द चैनल। आई विल रेफर टू हिम एज जीजू बिकॉज दैट इज वॉट आई एम यूज टू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कॉन्वर्जेशन। फर्स्ट पॉइंट, विच इज दिस वेरियंट? Honda City VX Petrol, it's okay. A manual model. Okay. And कितने किलोमीटर्स चल चुकी है ये गाड़ी? It's approximately 21,000 kilometers. Okay, काफी चल चुकी है। And what is the year in which you bought this car? I bought this in 2018. Okay. So 2018 की कार है and it's done approximately 21,000 kilometers, which is good enough. What was the ex showroom cost for this one? This came in Okay, this is the on-road price that we are talking about in Mumbai, around 14 lakh rupees. Okay, इस गाड़ी के बारे में तीन positives और कुछ negative अगर आप हमें बता सकें तो that would be better. Positive ये है कि गाड़ी चलाने में मतलब comfortable बहुत है, बहुत अच्छी गाड़ी है. Okay. Driving, leg space वगैरह comfort अच्छा है. बाकी पीछे भी जो बैठते हैं बैक में रियर सीटिंग भी काफ़ी अच्छी है, मतलब कंफर्टेबल है, प्रॉपर कार। और एंड एक नेगेटिव अगर हम पूछे आपसे इस गाड़ी के बारे में जो आपको अच्छा नहीं लगा हो? एक ही चीज़ है, उस टाइम में जब गाड़ी कंपैरिजन कर रहे थे तो इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम है, जैसे एप्पल कार प्ले है, एंड्रॉयड मिररिंग है, वो नहीं है. ओके, दैट इज़ वन थिंग दैट यू फाउंड दैट दिस कार हैज़ लैकिंग. करेक्ट. ओके, ऑल राइट, कूल. एंड परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं. इफ़ यू आर ड्राइविंग इन द सिटी और इफ़ यू आर ड्राइविंग ऑन द हाईवे, आपको परफॉर्मेंस रिलेटेड कुछ इश्यूज महसूस हुए इस गाड़ी में? शायद ओवरटेक करते वक्त या कटिंग थ्रू ट्रैफिक, आपको कुछ ऐसा इम्पैक्ट फील हुआ है? नहीं, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है. इट्स क्वाइट गुड, मतलब इन दैट कम्स द कार इज प्रीटी स्टेबल. एंड इफ यू ड्राइव इन द हाईवे ऑल्सो एट 130-140 ऑल्सो इट्स स्टेबल कार. एंड वाई डिड यू चूज दिस कार? आपने ये गाड़ी ही चूज़ की एंड और कौन कौन सी गाड़ी आपने शॉर्टलिस्ट की थी? अभी मैंने तीन गाड़ी देखी थी, सियाज देखा, सियाज मारुति राइट, और वरना देखा था, और ये सिटी देखा था. व्हेन आई कंपेयर्ड बिटवीन द थ्री राइट, आई फाउंड इट द इंजन विद द रिव्यू ऑफ द कैरियर एंड द कम्फर्ट राइट एंड द रिलायबिलिटी दैट इट हैज़ ओवर अदर्स. So I went ahead with this car, and the one added plus point that I checked between the Maruti and this was it has a sunroof and all. Right. And on the Verna side, it was lacking in the leg space and the rear seat. So that was one of the challenge. So. तो अब तक के ownership experience आपका बहुत बढ़िया रहा है, आपको कोई issues नहीं आए हैं. सर्विस की बात करें तो आपके कितने सर्विस हो चुके हैं एंड अप्रॉक्सीमेटली क्या कॉस्ट आता है सर्विसिंग का? एवरी टाइम सर्विसिंग कॉस्ट अराउंड 5-6,000 रुपीज़ आ जाते हैं. तो मेजर एक्सपेंसेस कुछ भी नहीं है, लास्ट ऑलमोस्ट थ्री इयर्स हो गए हैं. ऑसम. इसके एक्सपेंस वाइज आई डोंट सी इट टू बी अ प्रीटी एक्सपेंसिव डील. इट्स जस्ट लाइक एनी अदर कार. अगर आप मारुति भी लेते हो, ह्यूंडई भी लेते हो, तो इट्स ऑल ऑफ देम आर इन द सेम रेंज इन टर्म्स ऑफ मेंटेनेंस इन दैट सेंस. करेक्ट. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act. So, we've come inside the car and Mr. Arvind here is going to talk about his experience on bad roads. So specifically bad roads pe gaadi chalane mein aapka kaisa experience raha hai? Because most of the times we see that Indian roads, they are not that up to the mark. So it has been pretty good, not that bad, but yeah, it's when the roads are too bumpy, then you get a bit of jerk. It is not that absolutely smooth or something, but pretty fairly, it does perform fairly well on bad roads also. It's not that bad. Okay, all right. And how about your experience for long trips? Have you been any long trips in this car, and how did you feel? How was the performance, drivability? How was the experience, overall experience? It's, on long it's trips? Good, and you can use the means when you are, suppose if you are driving to Bombay Pune or something, you can use the cruise mode also. So right, so you just put it on cruise and you're good to go. Yeah, good to go. So it's good.
ग्रेट. इन टर्म्स ऑफ सर्विस अवेलेबिलिटी, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है इन योर एरिया? आई नो यू आर फ्रॉम मुंबई एंड इट शुड नॉट बी एन इशू, बट अदरवाइज ऑल्सो अगर आप कहीं बाहर जाते हो, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस इन टर्म्स ऑफ सर्विस? सो इट्स सच आई नेवर हैड टू एक्सप्लोर द सर्विस आउटसाइड बॉम्बे. सो इन बॉम्बे इट्स एक्सेसिबिलिटी इज वेरी गुड. इन अ डे यू विल गेट इट सर्विस एंड ऑल. एज आई अर्लियर सेड, द चार्जेस एंड ऑल आर ऑल्सो फेयर. Right, right. All right, great. And what about the fit and finish, the quality of the materials that are used inside the car? What do you have to say about that? So there is no noise as such, since I've been driving it for the last 3 years almost. So there is no absolute noise or something that is crank or anything, any noises that is coming inside the car. But yes, the color of the interior is beige, and so to clean that, it's a bit of a task. So you need to keep that maintained. Great. Thank you so much for the feedback. I'm sure a lot of buyers who are out there, specifically Honda City, because they sell in such huge numbers, your experience would definitely help those guys make an informed and a right decision. Okay, and one of the features that you were speaking about was the sunroof, and specifically how your daughter Anora enjoys it. So, उसके बारे में आप थोड़ा बता सकते हैं कैसे operate करते हैं? Yes, it's pretty simple. So, if I show you, this is how it is. So, pretty one person can comfortably stand over here and enjoy. I mean, basically, whenever you go to the remote areas and all, right. And especially during somewhat rainy season or especially in winter. So you can enjoy the cool breeze and all. It's quite fun, right? And it's the use is, though you may not use it in the city, but it's a good feature and that people would love to have it. Exactly. So that is, this is also one of the reason that I choose this car. Absolutely. And specifically छोटे बच्चों के लिए, I think it is something that delights them कि they are standing out of the car and they can see, they have a view around, and it's a pretty nice feeling. I mean, especially for small children, it's a good feature. So yes, definitely thumbs up to Honda again for bringing this feature, which the other rivals in the segment have probably not been able to capture correctly. Head up, that's a fact. Never looking back. I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong. Always moving on. Feel I don't belong. Tell my thoughts to move along. Push myself to be the best. Die with no regrets. Live with every breath. See my message start to spread. And I had so many dreams. Then you hit your teens. Life ain't really what it seems. Try to